पौड़ी जिले के एकेश्वर ब्लॉक में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने 750 से ज्यादा कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया। कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने पर सतपाल महाराज ने खुशी जताई और कहा कि कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों और राजस्व विभाग की टीम के साथ हर समय सरकार का सहयोग किया, इसलिए आज इनको सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में पूर्व पर्यटन मंत्री अमृता रावत भी मौजूद रहीं। सम्मान का आज वितरण हो रहा है। इसके अंदर हमारी जो आशा कार्यकर्ती, हमारे तहसीलदार, हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो रहे, हमारे हॉस्पिटल का स्टाफ रहा, नर्सेज रहे, डॉक्टर्स रहे, उसके साथ साथ जो एम्बुलेंस ड्राइवर रहे, सबको हम सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने में पूरे देश की सहायता की है, पूरे क्षेत्र की सहायता की है। आज उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। हमारे ब्लॉक प्रमुख पांथरी जी इसमें लगे हुए हैं, उनका ये एक कार्यक्रम था, बहुत अच्छी बात है। और जब हम अपने कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करेंगे, उसके साथ साथ मोदी जी ने आज वैक्सीन का जो भेजी है, उस वैक्सीन से भी ये उनको सम्मान दिया जा रहा है। कोरोना वॉरियर्स को पहला उसका इंजेक्शन लगेगा ताकि वो सम्मानित हों, और इसके साथ साथ देश के अंदर कोरोना से लड़ाई लड़ने में एक बहुत बड़ी ये सम्मान समोरा जो है, ये बहुत बड़ा एक सहायक होगा इसमें लड़ाई के अंदर। आपको बता दें कि चौबट्टा खाल से विधायक सतपाल महाराज ने अपनी विधानसभा में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करवाया। इस कार्यक्रम में उन सभी लोगों को सम्मानित किया गया जिन्हें कोरोना काल में लगातार सरकार और आम जनता की सहायता कर कोरोना संक्रमण से लड़ने में सहयोग किया। मैं नीरज पांत्री जी को बधाई दूंगा, कोविड-19 योद्धा रत्न सम्मान समारोह में उन्होंने आमंत्रित करके और सभी कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करके एक बहुत बड़ा काम किया। ये कोरोना वायरस एक ऐसी बीमारी थी जो दिखाई नहीं देती थी, अदृश्य थी। वुहान चाइना के लैब में कृत्रिम रूप से इसको बनाया गया और वहां से फैलते फैलते ये आगे फैली। ये बीमारियां, ये वायरस जर्म वॉरफेयर में जो जर्म की लड़ाई होती है, जिससे बिना तोप चलाए, बिना गोली चलाए, बिना मिसाइल चलाए, बिना एटम बम चलाए आप लोगों को मार सकते हैं। ये जर्म वॉरफेयर के तहत ऐसी बीमारियों को कृत्रिम रूप से बनाया जाता है ताकि आप दुनिया पर आघात कर सकें। चीन वुहान के अंदर लैब के प्रयोगशाला के अंदर यह बनाई गई, लोगों को पता नहीं था, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी जी के निर्देशन में हमने इससे संघर्ष करने की ठानी और मोदी जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से दुनिया के देशों के अंदर, और भी देशों को देखेंगे, वहां इतनी रोकथाम नहीं हुई जितनी हमारे देश के अंदर हुई है। लॉकडाउन का पालन किया गया, लोगों को बड़ी कठिनाई भी हुई, परंतु जब हमें संघर्ष करना है, लड़ाई लड़नी है, तो कठिनाई को तो सहना ही होगा।